Vayam Prabha. Digital India. Educated India. वेल well, my नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू वाराणसी सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दोहरे दंड से संरक्षण एवं आत्म अभिसंसन के विरुद्ध संरक्षण यह मेरा लेक्चर नंबर सिक्स है लेक्चर नंबर सिक्स के अंतर्गत मैंने चूँकि भाषा हिंदी रखा है हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए तो मैं ये चाहूँगा कि दोहरे दंड से संरक्षण एवं आत्म अभिसंसन के संरक्षण आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री और ट्वेंटी क्लॉज टू एंड ट्वेंटी क्लॉज थ्री में क्या बेसिक डिफरेंस है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन से संबंधित तो संवैधानिक प्रावधान क्या है और डबल जियो पार्टी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के क्या व्यूज़ हैं आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन देता है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ़ इसको लेकर के संवैधानिक जो प्रावधान है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या व्यू है क्या विचार है जैसा कि आप सभी जानते होंगे इस आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री को हम देखेंगे नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग टेस्ट के माध्यम से कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन टेस्टिंग जैसे डीएनए डीएनए टेस्ट है और नार्कोनासिस टेस्ट है। इन सब प्रकार के जो वैज्ञानिक परीक्षण साइंटिफिक टेस्ट आ गए हैं उनके आने के पश्चात जो आर्टिकल 20 की उपयोगिता है 23 की उपयोगिता है वो कैसे इसको आ, उस साक्ष्य को कितना महत्वपूर्ण माना जाए तो पहले लेते हैं आर्टिकल 20 क्लास टू को प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी स्क्रीन पर मैंने इसको दो भागों में डिवाइड करने का प्रयास किया है एक आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू देखें किसी भी अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा और यह प्रोटेक्शन न केवल भारतीय संविधान के अंतर्गत बल्कि यू डी एच के अंतर्गत भी जो मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा 1948 की है उस यू डी एच के अंतर्गत भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जी पार्टी की बात की गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन ह्यूमन ट्रीटमेंट इस तरह से ये समझने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज टू किसी भी अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है अब आर्टिकल ट्वेंटी टू की आवश्यकताएं है क्या हैं मैंने दूसरी साइड लिखा हुआ स्लाइड में देखें एक आर्टिकल 20 का लाभ लेने के लिए क्या क्या तत्व न्यायालय के समझ साबित करने होंगे पहला है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो दूसरा उसका अभियोजन उसका अभियोजन एवं दो सिद्धिपुर में हो चुकी हो और उसे पुनः उसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा रहा हो तीन बात न्यायालय के समझ जैसे ही साबित होगी वैसे उस व्यक्ति को आर्टिकल बीस दो का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया जाएगा पहला क्या है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो उसका अभियोजन भी पहले हुआ हो और उस मामले में दो सिद्धि हुई हो और पुनः उसी अपराध के लिए उसका ट्रायल चल रहा हो विचारण प्रारंभ हुआ हो तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस दो ऐसे व्यक्ति को जो अभियुक्त है किसी उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है उसका अभियोजन प्रारंभ हुआ है और उसमें वह दोष सिद्ध हुआ है और तीसरा है कि उसे पुनः उसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा रहा है तो ये तीन बातें जैसे न्यायालय के समझ संज्ञान में आएंगी अभियुक्त के द्वारा लाया जाएगा वैसे अभियुक्त को आर्टिकल बीस दो का लाभ देते हुए ट्रायल कोर्ट दोषमुक्त कर देगा यह कहते हुए कि, कि किसी भी व्यक्ति को हम एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं कर सकते अब देखते हैं कि यह आर्टिकल बीस दो का जो लाभ है जैसा कि मैंने बताया यह एक प्रकार से संरक्षण है प्रोटेक्शन है तो कौन इसको लेगा यह सामानता हुआ व्यक्ति लेता है जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग दर्ज होता है और स्वाभाविक है भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 101 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति यह कहता है कि उसने अपराध नहीं किया है साबित करने वह तथ्य साबित करने का भार न्यायालय के समक्ष उसी पर होता है इसको हम बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं सबूत का भार उदाहरण के तौर पर आपराधिक मामलों में तो वैसे सबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन चूँकि प्रोसिक्यूशन आपराधिक मामलों में केस अभियुक्त के विरुद्ध लाता है तो साबित करने का भार कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है सदैव सरकारी पक्ष पर होता है अभियोजन पर होता है जो यह कहता है कि अपराध किया गया है परंतु जितने बचाव होते हैं जितने डिफेंस होते हैं वे अभियुक्त को मिलते हैं और अभियुक्त यदि बचाव लेना चाहता है तो न्यायालय के समझ साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसके द्वारा किया गया कार्य पूर्व में उसने जो अपराध किया था उसकी ऑलरेडी उसमें अभियोजन हो चुका है दो सिद्धि हो चुकी है इसलिए पुनः उसे उसी अपराध के लिए अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा यह एक लैटिन सूत्र है नो वन कैन बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम आपेंस निमोजुडिक्स एक करके है कि नो वन कैन बी vexed ट्वाइस फॉर द सेम offence. किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता वैक्स परेशान नहीं किया जा सकता तो नो वन कैन बी vexed ट्वाइस फॉर द सेम offence. किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता ये आर्टिकल बीस तो उस लैटिन सूत्र पर आधारित है दूसरी बात आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू के अंतर्गत इससे संबंधित मैं अगर इसी इस स्क्रीन पर हाईलाइट करूँ तो इससे संबंधित सी की ही धारा थ्री में एक प्रावधान किया गया है सेक्शन 300 मैंने लिखा जैसा स्क्रीन पर कि सेक्शन <coughs> 300 सीआरपीसी में भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए जिसे पूर्व में दोषिद्ध किया गया है उसे उसी अपराध के लिए दोषिध नहीं किया जाएगा उसको उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा अभियोजन नहीं प्रारंभ किया जा सकता है तो आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू और सीआरपीसी की तरह तीन सौ को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे तब इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान और कानून दोनों बातें और भी क्लियर होंगी अब आते हैं कि इस पर महत्वपूर्ण केस क्या है आर्टिकल ट्वेंटी क्लास 2 पर तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो केस इसमें है वह है मकबूल हसन वर्सेज बॉम्बे राज्य ए आई सुप्रीम कोर्ट मकबूल हसन वर्ष बॉम्बे राज और ए 1953 सुप्रीम कोर्ट अब इसमें देखें इस मामले में मैं सहायक तथ्य को संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा कि मकबूल हसन वर्ष बॉम्बे राज की केस में क्या घटना घटित हुई जिससे कि आप आर्टिकल 20 क्लास टू को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसमें मकबूल हसन नाम के जो याचिका करता है अपीलार्थी अपिल्ड उसको सी कस्टम एक्ट के अंतर्गत उसके पास से अवैध सोना पाया गया और वह सोना सीज कर लिया गया जब्त कर लिया गया कस्टम प्राधिकारियों अधिकारियों के द्वारा मकबूल हसन के गोल्ड को जब्त सीज कर लिया गया साथ ही साथ आप देखें मैंने नीचे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे फेरा एक 1947 में कानून बना था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन इस फेरा के अंतर्गत उसके अगेंस्ट पुनः कार्रवाई की गई अब जब उसके सोना गोल्ड को भी जब्त कर लिया गया और फेरा एक्ट उन्नीस के अंतर्गत भारत में बिना सरकार की अनुमति के अवैध सोना लाने के आरोप में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी प्रारंभ की गई अब उसने उच्चतम न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि उससे ऑलरेडी सोना उसका जब्त हो चुका है पुनः पुनः उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध दंड उसको दंडित नहीं किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया कि कस्टम प्रा जो सी कस्टम एक्ट है उसके उस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी और फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत दोनों दोनों कानूनों के अंतर्गत अथॉरिटी प्राधिकारी दोनों अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिति में जब प्राधिकारी दोनों भिन्न भिन्न हैं तो ये दोनों कार्रवाइयाँ जो प्रोसीडिंग्स हुई है वो ट्राइब्यूनल के वो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं माने जाएंगे ये जो आर्टिकल बीस दो का संरक्षण है उसमें जो शब्दावली यूज की गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा तो ये दो दंड और अभियोजन का जो कार्य काम होता है वह कोर्ट करती है न्यायालय के द्वारा होता है क्योंकि सी कस्टम एक्ट के अंतर्गत कस्टम अथॉरिटी के द्वारा सोने का जब्त करना और कस्टम अथॉरिटी कोर्ट न्यायालय के रूप में कार्य नहीं किया है इसलिए इसलिए यह अपीलार्थी मकबूल हसन आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू का दावा नहीं कर सकता और आर्टिकल ट्वेंटी का लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा तो ये बात हो गई आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू पर अब इसमें देखें मैंने स्लाइड पर ही दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि सिविल कार्रवाई पर लागू नहीं होगी आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू का जिस उसमें लिखा है बैरैक्ट में ही उसके कानून में ही लिखा है कि संविधान के आर्टिकल बीस दो कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है तो अभियोजित और दंडित अभियोजन और दंड यह जो है क्रिमिनल लॉ का पार्ट है सिविल एक्शन के अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लास 2 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक ही सिविल लाइबिलिटी के लिए उसी मामले में अगर उसके अगेंस्ट पुनः सिविल कोर्ट के द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है तो आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू का लाभ केवल आपराधिक मामलों में प्राप्त होता है अब देखते हैं जो रेस जुडिकेटा है रेस जुडिकेटा क्या है रेस जुडिकेटा जैसा कि आप जानते होंगे मैं अभी स्क्रीन के माध्यम से बताऊं कि रेस जुडिकेटा सीपीसी आप सभी जानते होंगे सिविल मामलों के लिए कानून है सीपीसी उसके सेक्शन 11 में इसको बताया गया कि रेस जुडिकेटा क्या है अर्थात सिविल मामलों में रेस मतलब होता है थिंग जुडिकेटा मतलब होता है एड द थिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन एड बाई कोर्ट कैन नॉट बी रीडिसाइडेड कैन नॉट बी रीओपन बाई द कोर्ट ये ऐसा आ, रेस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट है सिविल मामलों में रेस मतलब जैसा मैंने बताया थिंग जुडिकेटा मतलब होता है एड जुडिकेशन अ थिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन एड जुडिकेटेड बाई सिविल कोर्ट कैन नॉट बी रीओपन अर्थात सिविल मामलों में भी इस प्रकार के प्रावधान सी पी सी के सेक्शन इलेवन में दिए गए हैं कि सिविल मामलों में जिसमें एक बार न्यायालय ने निर्णय दे दिया है पुनः उसी आ, सिविल मामले में उसी पक्षकार के विरुद्ध सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकती है ये इस कॉन्सेप्ट को हम रेस जुडिकेटा और हिंदी में पूर्व न्याय बोलते हैं कि ऑलरेडी जब एक मामले में सिविल न्यायालय ने पूर्व न्याय दे दिया है तो उसी पक्षकार के विरुद्ध पुनः उसी सिविल मामले में यह उसका मामला खोलना उसके मामले में सुनवाई करना यह एक नैसर्गिक निश्चल न्याय के अगेंस्ट होगा रेस जुडिकेटा उस पर अप्लाई होगी और अलाउ नहीं किया जा सकता कोर्ट को उसी मैटर को रीओपन करने के लिए तो रेस के समान ही आपराधिक मामलों में प्रोटेक्शन आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू के अंतर्गत संविधान में दिया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया अब इसके पश्चात आर्टिकल ये तो हो गया आर्टिकल बीस उपखंड दो के अंतर्गत अब आते हैं आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री को देखते हैं आर्टिकल बीस तीन इसको अगर हमें बोलें देखें संविधान की आर्टिकल बीस तीन में जो प्रावधान दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा पहली बात तो यह संविधान के द्वारा रोका गया है कि, कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा और यदि ऐसा किया जाता है तो उसका संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा उस व्यक्ति के संविधान के आर्टिकल बीस तीन के द्वारा प्रत्याभूत फंडामेंटल राइट का वॉलेसन माना जाएगा पहले इसको देखते हैं नीचे मैंने जैसा कि लिखा है यूएस संविधान के पांचवें संशोधन से यह अमेरिका में भी लागू किया गया यह प्रोटेक्शन क्यों दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा प्राय आप देखते होंगे आपराधिक मामलों में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है मैटर को तो उसमें अन्वेषण के दौरान पुलिस अभियुक्त से वे एक तथ्य पूछने का प्रयास करती है जो अभियुक्त ने अपराध किया भी नहीं हो और यदि अभियुक्त को अलाउ कर दिया जाए यदि आप ये सोचें कि यह संविधान जो देश की सर्वोच्च विधि है उसमें यदि यह संरक्षण नहीं दिया गया होता यह प्रोटेक्शन गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं दिया गया होता तो यह पुलिस को एक प्रकार से लाइसेंस देना होता कि वह अन्वेषण के नाम पे किसी भी व्यक्ति से अपने विरुद्ध स्टेटमेंट दे करके स्टेटमेंट उसको रिकॉर्ड करके स्टेटमेंट लेखबद्ध करके और वह ट्रायल कोर्ट को मामले को भेज देती तो ऐसी स्थितियों में देश की सर्वोच्च विधि यह प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों ने ने संविधान के माध्यम से यह प्रोटेक्शन अपने यहाँ निर्दोष व्यक्तियों को जिसके ऊपर कोई आपराधिक अभियोग लगाया गया है उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है अब इसे देखें कि आर्टिकल 20 तीन का जो प्रोटेक्शन है यह भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत जो बड़ेना प्रूफ है साबित करने का भार है उसी अभियुक्त पर होगा जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई लगाई गई है अर्थात जो व्यक्ति इस आर्टिकल बीस तीन का लाभ लेना चाहता है साबित करने का भार उसी पर होगा उसे ही न्यायालय में साबित करना होगा कि उसने जो कार्य किया है वह अपराध नहीं माना जाना चाहिए जो उसके विरुद्ध जो उसे ही साबित करना होगा कि जिस पुलिस अधिकारी ने उसे साक्ष्य लिया है वह साक्ष्य जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसको कंपेल करके विवश करके लिया है तो अब एक दूसरे साइड मैंने जो लिखा हुआ है देखें कि आर्टिकल बीस तीन के आधार पर ऐसा व्यक्ति अभियुक्त हो और उसने अपने विरुद्ध उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश किया गया हो ये दो दो चीज़ें हैं जहाँ पर किसी वह व्यक्ति अभियुक्त कौन होगा जिस व्यक्ति के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया आपराधिक मुकदमा किया गया एफ की गई हो ऐसा व्यक्ति और उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश किया गया हो अगर ये दो तत्व तो तो न्यायालय में साबित कर दे तो उस व्यक्ति को आर्टिकल बीस तीन का लाभ देते हुए और उसके जो स्टेटमेंट उसके द्वारा तो जो स्टेटमेंट दिया गया है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उस स्टेटमेंट का साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं होगा उस स्टेटमेंट को न्यायालय एज ए पीस ऑफ एविडेंस स्वीकार नहीं करेगी अब इस आर्टिकल बीस तीन के जो प्रोटेक्शन को संरक्षण को कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी मामले में अभियुक्त हो और उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश किया गया हो इसका क्लेम दावा कर सकता अब इसको देखते हैं कि इस संविधान के आर्टिकल बीस तीन से संबंधित प्रावधान क्या अन्य किसी संविधि में है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड पर आप देखें आर्टिकल बीस तीन जो बीस आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री इसमें इसको मिस्टेकनली ये दैट इज टू इसको हम लेंगे कि आर्टिकल ट्वेंटी क्लाज जो आर्टिकल ट्वेंटी क्लाज थ्री है उसी के समान जो विधिक प्रावधान अन्य संविधि में कहां कहां पर है तो एक तो ये है आप देखें कि जो सी है दंड प्रक्रिया संहिता है सी की धारा वन सेवेन उन्नीस सौ तिहत्तर उन्नीस सौ की धारा वन सिक्सटी वन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अन्वेषण के दौरान अपराध के तथ्यों परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति के कथन को लेखबद्ध कर सकेगी हम जिसको प्रोसिक्यूशन uh, विटनेस की संज्ञा देते हैं धारा वन सिक्सटी वन के अंतर्गत इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस अन्वेषण के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है उसके कथन को रिकॉर्ड कर सकती है जो उस अपराध के तथ्य परिस्थितियों से भली भात अवगत है जिसको हम प्रोसिक्यूशन विटनेस बोलते हैं अब वहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाए तो उसका उस पुलिस अधिकारी के द्वारा लेखबद्ध किए गए स्टेटमेंट का साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं होगा और इसी सीआरपीसी की धारा एक में ही कहा गया है कि, कि किसी भी अभियुक्त को किसी भी व्यक्ति को पुलिस के समक्ष अन्वेषण के दौरान किए गए अपने कथनों को ले हस्ताक्षरित करने से छूट है और धारा 161 के अंतर्गत स्वयं इस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया गया सीआरपीसी के अंतर्गत क्या वह यह है कि पुलिस अन्वेषण अधिकारी के दौरान अन्वेषण अधिकारी के द्वारा अन्वेषण के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से जो अपराध के तथ्य परिस्थितियों से परिचित है वह उससे प्रश्न पूछ सकता है एक बात दूसरी ऐसा व्यक्ति पुलिस को पुलिस से पुलिस के द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए बाध्य है और यदि सही उत्तर नहीं देता है अन्वेषण के दौरान पुलिस पूछताछ में तो ऐसा व्यक्ति लोक प्राधिकारी को मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी हो सकता है मैं थोड़ा यहाँ पे संक्षेप में प्रकाश डाल दूँ आप ये देखें जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं सेक्शन वन के अंतर्गत जहाँ एक तरफ यह यह स्टैचूट जो दंड प्रक्रिया संहिता है वह जहां पर एक तरफ विटनेस को प्रोटेक्शन देती है जो अभियोजन साक्षी हैं एक तरफ उनको प्रोटेक्शन देती है दूसरी तरफ उन पर विधिक दायित्व तो भी अधिरोपित करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के विषय में जानकारी रखता है तो वह उसे डिस्क्लोज करने के लिए सत्य बताने के लिए पुलिस को बाध्य है उदाहरण के तौर पर यदि आप चौराहे पर खड़े हैं और अपराध हो जाता है आपने अपराध देखा है यू आर आई विटनेस यू हैव सीन दैट इंसिडेंट सो यू कैन नॉट डिनाई आप वहाँ पुलिस से पूछताछ में नहीं कर सकते कि जब वो अपराध हुआ तो मैंने आँख बंद कर ली या मेरी मैं मेरी आँख में प्रॉब्लम होगी मैं देख नहीं सका कुछ इस तरह से तो यह धारा वन वन के अंतर्गत यदि आप चश्मदीद गवाह हैं तो आप पुलिस को अन्वेषण के दौरान उस सहयोग करने के लिए पुलिस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को के सही जवाब को देने के लिए उत्तर को देने के लिए बात दें और उत्तर सही नहीं बताते हैं कोई भ्रामक जानकारी देते हैं उसको गलत साक्ष्य देते हैं तो वह पुलिस अधिकारी आपके विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने की धाराओं में आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर सकता है एक बात ये देखें इसका प्रोटेक्शन कैसा दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो तत्व है कि यदि सेक्शन वन सिक्सटी के अंतर्गत यह स्वयं स्टैच्यूट में प्रोटेक्शन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध के विषय में तथ्य परिस्थितियों से परिचित है सिवाय उन प्रश्नों के उन प्रश्नों के सिवाय पुलिस को बताने के लिए बाध्य नहीं होगा जो उसे किसी अपराध में फांसते हों अर्थात वे वे कथन वे स्टेटमेंट जो पुलिस अन्वेषण के दौरान किसी से पूछती है और वे स्टेटमेंट जो है उस व्यक्ति को किसी अपराध में फांसने वाले हों तो ऐसे स्थिति में अन्वेषण के दौरान व्यक्ति पुलिस को स्टेटमेंट देने से इनकार कर सकता है इस आधार पर कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न से उस व्यक्ति को किसी अपराध या अनुशासित पेनाल्टी या दंड का वह भागी होगा तो अब आप देखें क्या है वन में जो एक प्रोटेक्शन दिया गया कि अपराध के विषय में जानकारी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिवाय उन प्रश्नों को जो उसे किसी अपराध में फांसने वाला हो जो किसी अपरा जो उसे किसी अपराध में फंसाता हो या पेनाल्टी के लिए उसे भागी बना देगा उन प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति पुलिस को अन्वेषण के दौरान अपराध से संबंधित तथ्यों की जानकारी देने के लिए बाध्य है दोनों बातें यहाँ पर हैं एक तो ये है कि यदि कोई जानकारी हमें है तो हम पुलिस को अन्वेषण के दौरान उस जानकारी देने के लिए बाध्य हैं नहीं देते हैं तो आई के अंतर्गत हम अपराध करते हैं एक दूसरा पुलिस ऐसे अगर प्रश्न करती है जो वह किसी अपराध में मुझे फंसाने वाला या मेरे ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी उससे तो वह ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य दूँगी ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए ऐसा साक्षी ऐसा व्यक्ति बाध्य नहीं है वहां पर क्लेम कर सकता है आज के समय में तो रिकॉर्डिंग है आज के समय में डिजिटल डिवाइस है अगर पुलिस आप अन्वेषण करती है और अन्वेषण के दौरान आप अपने अधिवक्ता को भी साथ में रख सकते हैं यह भी सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन आ गई है कैसे हम साबित कर पाएंगे अब इस पर प्रश्न नहीं है आज के प्रेजेंट टाइम में परिवेश में कोई भी छात्र यह न कहे या समझे कि कैसे न्यायालय के समझ साबित होगा कि पुलिस ने ऐसा प्रश्न किया जिससे हम उस अपराध में फंस जाते तो अन्वेषण के दौरान आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त है किसी अपराध का अभियुक्त है या वह अपने पसंद के अधिवक्ता को पास में रख सकता है और उससे परामर्श सलाह ले सकता है उससे परामर्श के पश्चात तो अधिवक्ता स्वयं कर सकता है रिकॉर्डिंग कर सकता है कि उसके जो स्टेटमेंट होंगे उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए <coughs> क्योंकि उसको भय है कि पुलिस उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकती है जो उसको किसी अपराध में फंसा सकता है तो इस ऐसी स्थितियों में पुलिस जानबूझ करके ऐसे प्रश्न कभी नहीं करेगी तो यह प्रोटेक्शन तब दिए गए होंगे जब हमारे पास डिजिटल डिवाइस नहीं रहे होंगे जब नाइनटीन 19, उन्नीस का भारत और उन्नीस के भारत के लिए जब यह कानून बनाए जा रहे थे प्रोसीजरल कानून बनाए जा रहे थे तो उस समय हमारे संसाधन हमारे पास संसाधनों की कमी थी साबित करने का न्यायालय के समक्ष परंतु आज हम न्यायालय के समक्ष इन सब बातों को साबित कर सकते हैं कि अन्वेषण के दौरान पुलिस ऐसे प्रश्न पूछ रही थी जो किसी अपराध में फंसाने वाले थे या कोई सास्ती पेनल्टी इम्पोज करने वाले थे तो एक तो प्रोटेक्शन जो आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री का दिया है संविधान के अंतर्गत देश की सोच विधि दूसरा मैंने बताने का प्रयास किया जो स्टैचूट है जो सीआरपीसी का सेक्शन वन सिक्सटी वन है उसमें किसी व्यक्ति को कैसे साक्ष दिया है कि वह अपने विरुद्ध साक्ष देने के लिए बाध्य नहीं है अगर प्रश्न अनुष्ठा के दौरान पुलिस ऐसा कोई प्रश्न करती है जो अपराध में फंसाने वाला है तो वह उत्तर देने से मना कर सकता है एक तो रोका गया है कि पुलिस ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगी जो उसे किसी अपराध में फांसने वाला यदि प्रश्न पूछ लेती है भय दबाव डाल करके और व्यक्ति स्टेटमेंट दे देता है तो उसका परिणाम क्या होगा माना कि उसके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है कहीं से उसने रिकॉर्ड कर लिया और उस समय स्टेटमेंट दिया और ज़बरदस्ती पुलिस ने उससे कोई बयान ले लिया स्टेटमेंट ले लिया तो ऐसे कथन का साक्ष्य में साक्ष्य विधि अट्ठारह की जो अपनी साक्ष्य विधि है मैं स्क्रीन पर आपको बताऊं कि इसमें देखें साक्ष्य विधि अठारह की जो है उसके धारा 24 और 25 को मैंने उल्लेखित करने का प्रयास किया है सेक्शन 820 ट्वेंटी ए आर्टिकल ट्वेंटी जो साक्ष्य अधिनियम का है उसमें आप देखें उसमें प्रावधान किया गया है कि पुलिस के द्वारा अभियुक्त को कोई उत्प्रेरणा धमकी या बचन का न दिया जाना या उत्प्रेरणा धमकी या वचन प्रलोभन इंड्यूसमेंट थ्रेट से अगर कोई स्टेटमेंट पुलिस लेती है तो उस स्टेटमेंट का साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं होगा और विशेष करके यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी से विवेचनाधिकारी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा यदि अभियुक्त से ऐसे स्टेटमेंट लिए जाते हैं जो कन्फेशनल नेचर का है अभियुक्त से अभियुक्त पुलिस से कोई अपराध की स्वीकारोक्ति कर लेता है अभियुक्त के द्वारा पुलिस के पुलिस के समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति को हम संस्कृति बोलते हैं कन्फेशन बोलते हैं कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर दैट इज इलिवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 फाइव ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अट्ठारह भारतीय साक्ष्य अधिनियम अट्ठारह की धारा 25 यह प्रावधानित करती है कि पुलिस से अपराध की स्वीकारोक्ति का साक्ष्य में कोई अर्थ नहीं होता है उसे ट्रायल कोर्ट विचार न्यायालय साक्ष्य के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं कर सकती है ये स्वयं स्टैच्यूट के द्वारा रोका गया है समिति के द्वारा रोका गया है कि न्यायालय उसमें साक्ष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं कर लेगी तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है एक तो सीआरपीसी की धारा 161 ऐसे स्टेटमेंट को न देने के लिए बात करती है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध से अपराध के विषय में जानकारी रखता है वह सत्य कथन पुलिस को बताए ऐसे कथन न ऐसे कथन करने के लिए बाध्य नहीं है जो उसे किसी अपराध में फंसाता हो दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट तत्व है वह यह है कि यदि किसी भी व्यक्ति से पुलिस अन्वेषण के दौरान स्टेटमेंट ले भी लेती है जो उसे किसी अपराध में फंसाने वाला है या उसे किसी पेनल्टी का भागी बना देगा ऐसी स्थिति में उस का मूल्य क्या अगर वह अभियुक्त है तो उस साक्ष्य का मूल्य कुछ भी नहीं होगा और जैसे न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया जाएगा कि अभियुक्त ने ऐसा बयान दबाव में दिया वैसे ही सीआरपीसी की वैसे ही साक्ष्य अधिनियम की धारा पच्चीस के अंतर्गत यह मानते हुए कि पुलिस से अपराध की स्वीकारोक्ति का साक्ष्य में कोई महत्व तो नहीं होता और न्यायालय से साक्ष्य को स्वीकार नहीं करती धमकी के अधीन लिया गया स्टेटमेंट या प्रलोभन दे करके पुलिस ने कहा कि अगर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करा दूंगा अगर इस प्रकार का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आ जाएगा तो अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त के द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति पुलिस के समक्ष जो की गई है उसका भी साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं होगा ये तो मैंने बताया धारा चौबीस पच्चीस एक सेक्शन ट्वेंटी सिक्स भी है साक्ष्य अधिनियम में जो ये कहता है कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति का साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं है तो ये मैंने बताने का प्रयास किया कि आर्टिकल 20 क्लास 3 और सीआरपीसी का सेक्शन 161 कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है पुनः मैंने बताने का प्रयास किया कि सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी अधिनियम का कैसे और सीआरपीसी का सेक्शन 161 और संविधान के आर्टिकल बीस तीन कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है प्रायः हिंदी माध्यम के छात्र जो होते हैं आत्मविश्वास की कमी होती है उनमें ये कि वही नहीं समझ पाते कि कैसे हमको ये एक कानून को दूसरे कानून से जोड़ना हमने सी आर पी सी शासन अधियम के साथ साथ भारतीय संविधान को इसमें जोड़ा भारतीय संविधान से ये सारे प्रावधानों को जोड़ा अब आते हैं इस पर नेक्स्ट इस पर केस इंपॉर्टेंट केस क्या है आर्टिकल बीस तीन पर जो महत्वपूर्ण बात हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उसको पहले देखते हैं तो आप स्लाइड पर देखें मैंने एक तरफ लिखा है नंदनी सप्तपथी वर्सेस पी एल दानी हुँ? ये बनाम इसको यहाँ पर लिखें वर्सेस पी एल दानी ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी एट सुप्रीम कोर्ट दूसरा मैंने एक लिखा है कि बॉम्बे राज्य वर्सेस काठी कालू ए आई आर सुप्रीम कोर्ट तो अब इस केस को कैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो लेते हैं कि बॉम्बे राज्य वर्सेस काठी कालू केस है काथू कालू ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जो उच्चतम न्यायालय के समझ सबसे महत्वपूर्ण विचारणी प्रश्न यह था कि जहां किसी अभियुक्त को अन्वेषण के दौरान पुलिस ने उसके आ, उसकी आइडेंटिटी को उसकी अनन्यता को पहचान उसकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए कि वही व्यक्ति अपराध के घटनास्थल पर मौजूद था वह सुनिश्चित करने के लिए उसके नेल इम्प्रे उसका नाखून का सैंपल लिया जाता है या बाल हेयर के सैंपल लिए जाते हैं या ब्लड सैंपल लिया जाता है घटनास्थल पर ऐसे ब्लड मिले हैं या जो विक्टिम ऑफ क्राइम है पीड़िता है पीड़ित है उससे उसके शरीर पर कुछ ऐसे ब्लड पाए गए जो अभियुक्त के ब्लड से मैच कराना है तो ऐसी स्थिति में क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऐसे व्यक्ति से बाल या उसके डीएनए डीएनए टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल लेना यह क्या उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश करना माना जाएगा और वह व्यक्ति संविधान के आर्टिकल बीस तीन के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है या नहीं इससे संबंधित मामला बॉम्बे राज्य बनाम काथू कालू के रूप में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1961 में आता है अब इसमें देखते हैं कि डिसीजन क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि निर्णय देखें रक्त नमूना अर्थात ब्लड सैंपल मैं अगर यहाँ पे कह दूँ डी टेस्ट ब्लड सैंपल्स या हस्तलेख जो आते हैं हैंड राइटिंग यह आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री में नहीं आता आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री में प्रोटेक्शन लेने के लिए केवल और केवल व्यक्ति को यह साबित करना होगा न्यायालय के समझ कि वह किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त है और उसे उसे अपने विरुद्ध कोई साक्ष्य देने के लिए विवश किया गया है तो जहाँ पर कॉम्पल किया गया कोई स्टेटमेंट देने के लिए जो उसे किसी अपराध में फांसता है वह संविधान के आर्टिकल बीस तीन का उल्लंघन होगा तो आप देखें कि संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाथ का नमो ब्लड सैंपल लेना बाल लेना या नेल सैंपल लेना ये डीएनए टेस्ट करने के लिए ये आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री के अंतर्गत स्टेटमेंट की परिधि में नहीं आता ये मटेरियल्स हैं और मटेरियल्स एक मटेरियल से कोई डिस्क्लोजर होता है तो दैट इज़ नॉट स्टेटमेंट एंड दैट इज़ नॉट कवर्ड बाई आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री तो ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल बीस तीन का लाभ नहीं प्राप्त होगा आज देखें जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक मेथड्स हैं थ्रू विच क्राइम क्राइम्स आर एक्सपोज बाई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बाई यूजिंग दो मेथड्स जो आपराधिक तरीके हैं जो विभिन्न uh, टूल्स यूज किए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा उनके वह उसके माध्यम से अपराध को कैसे एक्सपोज किया जा रहा है डी एन ए उसमें सबसे महत्वपूर्ण मेथड के रूप में उभरकर सामने आया है तो एक बात क्लियर हो गई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ब्लड सैंपल लेना अपराधी का नेल सैंपल लेना हेयर सैंपल बाल लेना अगर घटनास्थल से बाल कोई बरामद हुआ है तो अभियुक्त के बाल से उसके डीएनए मैच कराना यह दावा नहीं कर सकता कि इससे आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री का वायलेशन हो रहा है अब आते हैं एक केस इस पर नंदनी सप्तपति वर्सेज पी दानी जो दूसरा केस इसमें है आप इसमें इसके साक्षिक इसमें जो फैक्ट जो घटना घटित हुई उसके आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि नंदनी नंदनी शरतपथी वर्सेज पी दानी या यार आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट के केस में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के प्रोटेक्शन को दिया है जैसे मैं आपको बताऊं ये जो केस आप इसको देखें यह आर्टिकल 20 क्लास 3 पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और फर्स्ट टाइम इस केस में मैं इसको तथ्य बता दूं संक्षेप में नंदनी सतपथी जो है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री थी भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते हुए उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी उन्हें जब पुलिस स्टेशन बुलाया गया पूछताछ के लिए तो उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए सस्पेक्ट होते हुए, होते हुए कि उनको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए उनको प्रश्नों की एक सूची दी गई जिसमें अन्वेषण अधिकारी उस प्रश्नों को पूछ रहे थे तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जो इसमें पेटिशनर है वह किसी अपराध में वह फंस सकती हैं तो उन्होंने ये क्लेम किया कि चूंकि आर्टिकल 23 का प्रोटेक्शन जो है किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है और सस्पेक्ट को भी प्राप्त है जो संदेह जिसके विरुद्ध एफ की गई है वह व्यक्ति भी आता है अतः वह पेटिशनर जो है पुलिस के सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था या प्रयास किया जा रहा था उस केस में इस केस में कि चूंकि सेक्शन वन सिक्सटी वन में भी लिखा हुआ है कि अन्वेषण के दौरान पुलिस से पुलिस के द्वारा किए गए प्रश्नों का सही सही उत्तर बताने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है विधिक रूप से बाध्य है सिवाय उन प्रश्नों को छोड़कर जो प्रश्न उसे किसी अपराध में फंसाते हों या उस किसी पेनाल्टी अर्थदंड में उसे फंसाते हों तो ऐसी स्थिति में आप ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह निर्णय दिया कि पहला तो यह हो गया कि आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री का लाभ पेटिशनर को प्राप्त था और उनके द्वारा उस समय न बोलना शांत रहना भी यह आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है संरक्षित है एक बात क्लियर हो गई कि गलत प्रश्नों का या सभी प्रश्नों का जवाब जो उसे किसी अपराध में फांसता है देने के लिए मौन रहना भी यह उसका राइट है विवश नहीं किया जा सकता कंपेल नहीं किया जा सकता किसी को हर परिस्थिति में बोलने के लिए लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि इसका कदापि अर्थ नहीं है कि अपराधी ने अपराध किया और बोलने का या दावा करे कि नहीं उसको चुप रहने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार भी नहीं होगा यहाँ सस्पेक्ट की बात है जो संध्यास्पद है व्यक्ति है जिसपे यह प्रोटेक्शन निर्दोष व्यक्तियों को दिया गया है इस संविधान के आर्टिकल बीस तीन का लाभ देने का उद्देश्य नहीं था कि जो अपराधी है पेशेवर अपराधी है वह इसका लाभ लेंगे सस्पेक्ट होते हुए या संदेह संदेहास्पद होते हुए तो ये ध्यान में रखना है तो नंदनी नन, सरपथी केस में एक बात क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल उस पेटिशनर को याचिकाकर्ता को आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री का बचाव उपलब्ध होगा दूसरा अन्वेषण के दौरान वो सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी इसलिए उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और जो कि ऐसे कुछ प्रश्न थे जो उन्हें किसी अपराध में फांसने वाले थे अतः उन प्रश्नों का उन्होंने उत्तर देने से मना कर दिया नेक्स्ट जो उसमें ऑब्जर्वेशन आया सुप्रीम कोर्ट का कि प्रस्तुत मामले में जो किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए व्यस्त नहीं किया जाएगा इसके अंतर्गत सस्पेक्ट भी सम्मिलित है संदेहास्पद व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसके अगेंस्ट कोई एलिगेशन लगाया गया है वह व्यक्ति भी आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री का प्रोटेक्शन ले सकता है आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री का बचाव ले सकता है तो इस तरह से नंदनी शतपथी की केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया ये आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री पर बहुत ही महत्वपूर्ण केस है अब आते हैं इसमें आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री पर ही मैंने एक स्लाइड बनाने का प्रयास किया है जिसमें ये मैंने बताने का प्रयास किया है

और इसके साथ ही साथ यदि आप सभी देखें तो मैं यहीं पर लिखने का प्रयास करूं स्क्रीन पर ही कि एक निठारी केस के नाम से बहुत फेमस केस उत्तर प्रदेश में हुआ था निठारी केस और इसमें अभी हाल ही में ये जजमेंट भी आ गया इसमें सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह पंडेर महेंद्र सिंह पंडेर को तो ये देखेंगे कि कैसे इस केस को निठारी सीरियल जो निठारी सीरियल किलिंग केस है यह आर्टिकल ट्वेंटी क्रॉस थ्री पे कैसे है इसमें भी ब्रेन मैपिंग आर्कोनासिस टेस्ट हुआ जिसके माध्यम से ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करने का प्रयास किया तो पहले आते हैं सेल्वी केस को देखते हैं सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ए आई 20 सुप्रीम कोर्ट इसमें तीन न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं होना चाहिए और ऐसी सहमति मजिस्ट्रेट के समझ ली जाएगी अभियुक्त ऐसे परीक्षण के समय अपना अधिवक्ता रख सकता है ये तो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है नार्को एनालिसिस को लेकर के इसमें घटना क्या घटित हुई कि नार्कोनाइसिस टेस्ट एक ऐसी स्थिति है कि अन्वेषण एजेंसियाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अभियुक्त को आ, मेडिकल एक्सपर्ट के माध्यम से चिकित्सकों के माध्यम से अन्वेषण के दौरान कुछ ऐसे उनको केमिकल प्रोवाइड करते हैं उनको ऐसे शरीर में केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे वह व्यक्ति पुलिस को प्रश्न पूछने के लिए उसमें सहयोग करे और पुलिस को ऐसा लगता है कि यह सामान्यतः प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा है पुलिस थर्ड डिग्री यूज नहीं कर सकती उसको मारपीट नहीं कर सकती अभियुक्त से तो ऐसी परिस्थितियों में विश्व के अन्य देशों में ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट को डेवलप किया गया कि एक ब्रेन मैपिंग भी टेक्निक आई कि हम उसको कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से देख सकें केमिकल सप्लाई करके कि जो उसके ब्रेन मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं या उसके एक कैसे माना जाए कि वह अब झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है पहले लाई डिटेक्टर आया जाता था, था उससे मानते थे कि झूठ बोलने में व्यक्ति की हृदय गति बढ़ जाती है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या इस तरह से एक अनुमान लगाया जाता था अब जो नार्कोनाक्सिस टेस्ट है इसमें अभियुक्त को हम अगर कोई केमिकल सप्लाई करते हैं तो ये एक मानवाधिकारिक ह्यूमन राइट इशू भी आ गया उसमें इन्वॉल्व हो गया दूसरा कि क्या अन्वेषण के दौरान किसी स्वस्थ मस्तिष्क के स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति के द्वारा प्रश्नों का जवाब देना और ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के कथन को लेना जिस व्यक्ति जो व्यक्ति अवचेतन अवस्था में नहीं है जो व्यक्ति की हम सहमति बिना सहमति लिए उससे हम उससे कथन ले रहे हैं और एक मेडिकल केमिकल सप्लाई करके उस केमिकल सप्लाई करने का असर यह हो रहा है कि वह व्यक्ति अपने पूरे होशोहवास में नहीं रहता ऐसा वैज्ञानिकों ऐसा चिकित्सक साइंस मेडिकल साइंस का मानना है कि वो कुछ केमिकल उसमें सप्लाई करने के बाद अभियुक्त को यांत्रिकी के माध्यम से मशीन के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से उसके हार्ट बीट को हृदय गति को उसके पल्स रेट को उसके ब्रेन में ब्रेन में घबराहट के स्तर को डिग्री को लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वह व्यक्ति सही नहीं बोल रहा बल्कि झूठ बोल रहा है तो इस आ, इस प्रकार के जो टेक्निक इस प्रकार के जो टेक्निक हैं अपराध विधि में कितना महत्वपूर्ण है साक्ष में कितना उपयोगी हैं अब इसके आधार अगर एल, एलाउ कर दिया जाए तो इससे इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे सेल्वी केस में इस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभियुक्त की सहमति के बिना नार्कोनासिस टेस्ट नहीं होनी चाहिए दूसरा कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी सहमति मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाएगी और अभियुक्त के परीक्षण के समय नार्कोनासिस टेस्ट के समय उसका एडवोकेट भी रहे अधिवक्ता भी रहे जिससे कि वह बाद में किसी प्रकार का क्लेम न कर सके दावा न कर सके कि उसके प्रति कोई टार्चर या हिंसा या इस प्रकार की बातें हुई हैं तो वह अपने प्रोटेक्शन बचाव में अपने एडवोकेट काउंसिल को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान रख सकता है अब इसी से संबंधित आपको अगर मैं केस बताऊं अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि नोएडा के पास एक निठारी विलेज है निठारी गांव में एक ऐसी घटना गठित हुई अब वो चूंकि नोएडा शहर क्षेत्र का भाग हो चुका है कि सुरेंद्र कोहली और महेंद्र पंडेर महेंद्र सिंह पंडेर एक वहाँ इस निठारी का निवासी उसके यहाँ एक काम करने वाला नौकर सुरेंद्र कोहली जिस पर आरोप था कि उसके घर के पास से कुछ बहुत मतलब कुछ बच्चों के कंकाल बरामद स्कल बरामद हुए डेड बॉडी बरामद हुई पुलिस ने पहला अपना अन्वेषण का जो डायरेक्शन है लगाया कि ये शायद किडनी जो किडनी रैकेट है उसमें इन्वॉल्व हुआ होगा बच्चों की किडनी निकालने के लिए काम किए होंगे बच्चों के मारा गया होगा पहले उसमें साथ साथ एक डॉक्टर भी था जो बगल में पड़ोसी उसको भी इसमें दायरे में रखा गया लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया अब जहाँ पे सुरेंद्र कोहली नाम के अभियुक्त को इसमें अभियुक्त मानते हुए उसके खिलाफ़ एफ की गई और ये पाया गया कि कई बच्चों के उसने आ, कई बच्चों की उसने हत्या की और हत्या इस तरह से विभद्स तरीके से की पुलिस अन्वेषण में पुलिस को लगा कि यह झूठ बोल रहा है उसमें इसका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया कराया गया नारको एनालिसिस टेस्ट के, के पश्चात भी उसने शायद उसमें आप देखें कि कैसे किस कितना साच उसका महत्वपूर्ण है उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपराध को स्वीकार करने के पश्चात जब ये मामला न्यायालय के समक्ष आया तो ट्रायल कोर्ट ने इसको दोषित्त कर दिया कन्विक्शन कर दिया निठारी केस इतना सेंसेशनल मैटर था कि सुरेंद्र कोहली उस मामले में दोषिध हो गया और महेंद्र सिंह पंडेर भी उसमें इसी मामले में दोषी हुआ अभी आपको जान अभी आपको ऐसा लगेगा कि हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह पंडेर को उस मामले में दोष मुक्त कर दिया गया बरी कर दिया गया तो ये अभी अब ये वैज्ञानिक साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण हैं और वह न्यायालय उन साक्ष्यों पर कितना विश्वास करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जब अभियुक्त से हम स्टेटमेंट इस, इस परिस्थिति में ले रहे हैं कि वह स्वस्थ स्थिति मस्तिष्क में नहीं है तो उसके द्वारा दिए गए कथन का पर कितना विश्वास किया जाए और ये बात जब वह स्टेटमेंट देता है तो वह पूरे होशोह हवास में नहीं रहता है तो इसलिए उसके कथन पर पूरा विश्वास करना यह सही प्रतीत नहीं होता परंतु उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर अगर कोई सामग्री बरामद हो जाए कोई हथियार बरामद हो जाए कोई अस्त्र शस्त्र बरामद हो जाए उसके इस प्रकार के स्टेटमेंट पर तो हम उस जो रिकवरी ऑफ मटेरियल जो रिकवर किया जा रहा है सामग्री बरामद हो रही है वह सामग्री बरामद करके हम उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं लेकिन उसके नार्कोनालिस या ब्रेन मैपिंग के दौरान दिए गए कथन को हम साक्ष्य में महत्वपूर्ण एविडेंस नहीं मान करके उस पर दोस्ती नहीं कर सकते परंतु यदि उस स्टेटमेंट से हम कोई कोई महत्वपूर्ण सामग्री बरामद हो रही है जैसा कि मैंने बताया मेटीरियल बरामद हो रहा है तो उस अभ्युद के विरुद्ध उसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है तो ये बात हो गई सेल्वी केस भी मैंने इसमें उल्लेख करने का प्रयास किया और थोड़ा सा इसमें मैं पुनः इसको अपने प्रीवियस हाई स्लाइड पर आऊं कि जो आर्टिकल 20 तीन मैं बताने का प्रयास कर रहा था वह साक्ष्य अधिनियम से जोड़ने का प्रयास कर रहा था उसको पुनः यहाँ पर देखें कि जो सेलवी केस और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया इसमें एक केस मैं एक सेक्शन और अगर उल्लेख कर दूं इसी में सेक्शन 27 कैसे यह इनको यहाँ पर जोड़कर देखा जाए आप देखें भारतीय साक्ष्य नियम की जो धारा 27 है 27 है वह यह प्रावधान करती है कि अभियुक्त के द्वारा पुलिस के समक्ष अपराध की स्वीकारोक्ति को साक्ष में सुसंगत नहीं माना जा सकता स्वीकार नहीं किया जा सकता परंतु उसके कथन के आधार पर बरामद की गई सामग्री उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकेगा तो अब आप ये देखें कि अभियुक्त के, 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 के द्वारा पुलिस के समक्ष की गई अपराध की स्वीकारोक्ति साक्ष के रूप में स्वीकार नहीं है परंतु उस अभियुक्त के द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर यदि कोई मेटीरियल uh, रिकवर कर रही है पुलिस कोई साक्ष्य बरामद कर रही है अस्त्र शस्त्र जैसे है तो चूंकि अस्त्र शस्त्र का बरामद करना उसके स्टेटमेंट के पार्ट में नहीं आता कथन का भाग नहीं माना जाता इसलिए सेक्शन 27 सेवन एलाउ करता है कि कोर्ट को अनुमति कोर्ट को अनुमति प्रदान करता है कि न्यायालय उसके कथ उतने भाग को तो काट दे अगर अभियुक्त कहता है कि आई हैव कमटेड दिस मर्डर तो यह पुलिस के समझ दिए गए बयान होने के नाते इस स्टेटमेंट का साक्ष में कोई मूल्य नहीं है परंतु यदि वह कहता है कि मैंने उस हत्या में प्रयुक्त की गई पिस्टल यहाँ छिपा रखी है और वह पिस्टल पुलिस रिकवर कर ले और उस पिस्टल पर उसके हाथ के नमूने अगर डीएनए टेस्ट के माध्यम से साबित हो जाए किसी के द्वारा किए गए हैं उसका स्टेटमेंट है तो यह 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 प्रज्यूम कर लेगी कि वह अभ्यक्त जो है उसी ने अपराध किया होगा उसी ने हत्या किया हुआ और उस हत्या में जो प्रयुक्त पिस्टल यदि पिस्टल से हत्या हुई है तो सामग्री भी बरामद हो गई तो सामग्री का बरामद होना उसके स्टेटमेंट का पार्ट नहीं माना जाता इसलिए भारतीय साक्ष्य नियम की धारा सत्ताईस ट्वेंटी ऊपर लिखी गई बातों को सेक्शन 24, 25, 26 तीनों के बेसिक रूल को आ, का एक अपवाद है तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे हम सामान्य नियम दिया गया सेक्शन 24 में कि पुलिस के द्वारा अभियुक्त को अन्वेषण के दौरान धमकी उत्प्रेरणा प्रलोभन का न दिया जाना और यदि प्रलोभन उत्प्रेरणा धमकी दी जाती है पहले तो पुलिस नहीं देगा ये भी रोका गया पुलिस को इस धारा के अंतर्गत यदि पुलिस ऐसे अभियुक्त से कन्फेशन ले लेती है जो धमकी के अधीन है प्रलोभन के अधीन है तो उसका उसकी वैल्यू क्या होगी लॉ में कानून में कानून की धारा ट्वेंटी फाइव कहती है कि वह मीनिंगलेस है उसका कोई मतलब नहीं है ट्वेंटी सिक्स भी कहता है धारा छब्बीस भी कहती है कि अगर वह पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त ने स्टेटमेंट दे दिया है पुलिस कस्टडी में अपने ऑफेंस को कन्फेस किया है तो उस कन्फेशन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा लॉजिक क्या है कारण केवल और केवल यह है कि पुलिस से अपराध की स्वीकारोक्ति या पुलिस अभिरक्षा में अपराध की स्वीकारोक्ति ये माना जाता है कि अभियुक्त दबाव में रहा होगा भले पुलिस बहुत ही कोई किसी प्रकार का दबाव न दिया हो लेकिन लापरजूम करती है विधि उपधारित करती है कि पुलिस का अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के समक्ष उपस्थित होना और अभियुक्त के द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति कर लेना निश्चित रूप से अभियुक्त के मस्तिष्क में पुलिस का भय रहा होगा इसलिए भय की वजह से उसने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की होगी इस भय के एप्रिहेंशन ऑफ ये जो भय का तत्व है ये भय का तत्व ही अभियुक्त के द्वारा पुलिस से किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति या पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्कृति को साक्ष में अग्राह्य बना देता है साक्ष में स्वीकार करने के से मना कर देता है तो मैंने ये बताया आपको कि अभियुक्त के द्वारा पुलिस अ, से अपराध की स्वीकारोक्ति या पुलिस अभिरक्षा में अपराध की स्वीकारोक्ति को क्यों इरेलीवेंट बनाया गया है सुसंगत नहीं बनाया गया है उसका लॉजिक मैंने कारण मैंने आपको ये बताया है तो मैं समझता हूँ कि इससे भी आपको सहायता मिलेगी आर्टिकल 20 क्लास थ्री को समझने में सेक्शन 24, 25, 26 और 27 के माध्यम से अब यदि आप देखें कि आ, जो आर्टिकल 20 क्लास थ्री में प्रोटेक्शन दिया गया कि नो वन पर नो पर्सन सेल बी कॉम्पेल टू बी अवेटनेस अगेन्स हिम सेल इसको पीएल एल दानी इसमें नंदनी स्वपथिक केस में कह दिया गया कि व्यक्ति के अंतर्गत अभियुक्त भी सम्मिलित है अभियुक्त को भी कंपेल अगर किया जाता है जो किसी अपराध में वांछित है अगर उसे भी सस्पेक्ट है यदि उसे भी कंपेल किया जाता है कोई साक्ष्य देने के लिए जो उसके विरुद्ध है तो यह आर्टिकल बीस तीन का उल्लंघन माना जाएगा और लेकिन कुछ प्रावधान इसमें साक्ष्य अधिनियम के जैसे मैंने बताए कि वह आर्टिकल बीस तीन के दायरे से बाहर कब होगा जब आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री और सेक्शन सेवन ट्वेंटी सेवन भारतीय शासन नियम दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं प्राय छात्रों में कन्फ्यूज़न होता है या समझने में उनको कठिनाई होती है कि संविधान की आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री और सेक्शन ट्वेंटी सेवन शासन इन दोनों में विरोध है कन्फ्यूज़न है तो मैं ये बता दूं कि दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कैसे और सेक्शन 27 आप देखें सेक्शन 27 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि आर्टिकल 23 के वायलेशन में बनाया गया है जो पुलिस अथवा पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त के द्वारा की गई संस्कृति को के आधार पर बरामद सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करता है जबकि आर्टिकल बीस तीन के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा तो सेक्शन 27 जो साक्ष्य अधिनियम की है यह तो व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आ, के समान है कि तरह माना जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उच्चतम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्दित किया गया कि सेक्शन ट्वेंटी के अंतर्गत जो स्टेटमेंट के अभियुक्त के संस्कृति के आधार पर जो सामग्री बरामद हो रही है वह आर्टिकल बीस तीन का उल्लंघन नहीं है क्योंकि जो मटेरियल है सामग्री है वह उसके कथन की श्रेणी में नहीं आता कथन के आधार पर जो चीज़ें बरामद हो रही हैं उसे हम कथन का भाग नहीं मान सकते आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री का जो प्रोटेक्शन जो दिया गया है संशोधन दिया गया है वह किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध बोलने के लिए और जो जो मटेरियल है वह बोलना नहीं है मटेरियल जो है वह स्टेटमेंट के अतिरिक्त है इसलिए जो कुछ भी सामग्री बरामद हो रही है अपराध में प्रयुक्त सामग्री का बरामद किया जाना अभियुक्त के ही कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर संस्कृति के आधार पर हम उसे आर्टिकल बीस तीन का ट्वेंटी क्लास थ्री का उल्लंघन नहीं कर सकते तो इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय किया गया कि यह एक दूसरे के पूरक हैं दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अब इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं अब यदि मैं इसमें एक और नवीन केस जोड़ने का प्रयास करूं आपको तो इसमें देखें जहां मैंने लिखा महत्वपूर्ण वाद केस डीएनए टेस्ट की उपयोगिता को मैं इसमें अगर स्क्रीन इस, इस पर लिख दूं आ, रोहित शेखर रोहित शेखर केस आप सभी लोग इसे जानते होंगे रोहित शेखर केस ये भी डीएनए टेस्ट का ही माध्यम से इस मामले में क्या हुआ कि रोहित शेखर एन तिवारी जो स्वर्गीय एन तिवारी हैं उन्हें अपने पिता के रूप में एप्लीकेशन दायर किए कि एन तिवारी वाज़ हिज बायोलॉजिकल फादर एंड ही रोहित शेखर वाज़ हिज बायोलॉजिकल सन रोहित शेखर और उसकी माँ उज्ज्वला शर्मा यह चाहती थी कि उसके उत्तराधिकारी यानी तिवारी के उत्तराधिकारी के रूप में रोहित शेखर को माना जाए सो ही फाइल पेटिशन इन डेली हाई कोर्ट विथ रिक्वेस्ट दैट कि एक निवेदन किया डेली हाँ कोर्ट में कि डीएनए टेस्ट कराया जाए एन uh, डी तिवारी का और रोहित शेखर का तो पाया जाएगा कि रोहित शेखर जो है वो एन डी तिवारी के बायोलॉजिकल सन हैं पहले तो एन डी तिवारी के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया कि ऑन दैट ग्राउंड कि इस प्रकार का ब्लड देना ब्लड सैंपल देना उनको ब्लड सैंपल देने के लिए उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है और यह एक प्रकार से आर्टिकल बीस तीन के अंतर्गत प्रोटेक्शन को प्राप्त है परंतु दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया कि ब्लड सैंपल दें और जिससे कि आगे की कार्रवाई बढ़े जब ब्लड सैंपल दिया गया डीएनए टेस्ट कराया गया तो आपका कर जान करके यह यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस डीएनए टेस्ट जब कंडक्ट किया गया तो पाया गया कि डी टेस्ट से इस्टेब्लिश हो गया कि रोहित जो रोहित शेखर है वह एन डी तिवारी के ही पुत्र थे और इस तरह से एन डी ये इस तरह से रोहित शेखर ने अपने अपनी जो पैटर्निटी है अपने फादर की जो लॉ के अंतर्गत विधि के अंतर्गत पिता की जो लेजिटिमेसी है लेजिटिमेसी वैधानिकता को उन्होंने स्थापित करने में वह स्थापित करने में सफल रहे और वह सफलता का केवल एक ही उद्देश्य था एक तो लेजिटमेसी uh, स्टैब्लिश हो जाएगी दूसरे वह उनके उत्तराधिकारी हो जाएंगे तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी के वे मालिक होंगे और कहीं न कहीं बात दिमाग में रही होगी लेजिटमेसी स्टैब्लिश करने को महत्वपूर्ण यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह है कि कैसे हम इस देखें वैज्ञानिक साक्ष्य के माध्यम से डीएनए टेस्ट के माध्यम से लेजिटमेसी स्टैब्लिश कर दे रहे हैं और इस तरह से कोई व्यक्ति कहे कि नहीं यह डीएनए टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल का देना इस प्रकार के जो ब्लड सैंपल लेना ये हमारे आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री में प्रत्याभूत जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है तो यह केस आप सभी के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी और भी आ, कई मामलों में डीएनए टेस्ट के द्वारा यह एक्सपोज किया गया कि व्यक्ति अपराधी यही है और इस तरह से आपने देखा होगा कि फोरेंसिक साइंस में भी इन सब का यूज किया जा रहा है अब अन्वेषण में इन्वेस्टिगेशन में जो साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जा रहे हैं उनके द्वारा जो साक्ष्यों का संग्रह किया जा रहा है और पर्टिकुलरली जो डीएनए टेस्ट है तो उसमें राजीव गांधी हत्याकांड में भी ये डी टेस्ट को अप्लाई किया गया था म कहने का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक साक्ष्य भी अन्वेषण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री से हम कैसे इन सब वैज्ञानिक अन्वेषण को जोड़ सकते हैं तो जो साइंटिफिक मेथड को जोड़ सकते हैं वैज्ञानिक और उससे जो साक्ष्य है उनको आजकल हम वैज्ञानिक साक्ष्य की संज्ञा दे रहे हैं तो वैज्ञानिक साक्ष्य का कितना मूल्य होगा और यह जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं मेथड्स हैं वे आपराधिक मामलों के अन्वेषण में कितने सहायक हैं आर्टिकल 20 क्लास 3 में वो प्रोटेक्शन जो दिया गया अभियुक्त को वह <coughs> संरक्षण कितने प्रभावी कारगर हैं मैंने इस पर पूरी विस्तार से चर्चा की और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे इस मैंने जो प्रयास किया आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री डबल जी पार्टी से स्टार्ट किया संविधान के आर्टिकल बीस दो संविधान के आर्टिकल बीस तीन और उस पर जो महत्वपूर्ण केस हैं उसको भी मैंने बताने का निठारी सीरियल किलिंग जो निठारी सीरियल मर्डर केस है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य की केस है मैंने सी का सेक्शन वन सिक्सटी वन और संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री से जोड़ने का प्रयास किया और अधिनियम की धारा चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस को बताने का प्रयास किया जिसके माध्यम से आपको जो संरक्षण दिया गया प्रोटेक्शन संविधान के अंतर्गत उससे संबंधित समस्त कानूनी जानकारी इन्फॉर्मेशन और उच्चतम न्यायालय के क्या दृष्टिकोण है इस विषय पर आप उससे अवगत हो सकें और इतनी इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूं कि अगर आपके पास है तो किसी भी प्रदेश का कोई भी न्यायिक परीक्षा हो या कोई भी एग्जाम हो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बाहर का कहीं क्वेश्चन प्रश्न नहीं पूछ पूछा जा सकता है नहीं बन सकता है और बाद में कोई केस इसमें जोड़ी जाए वो एक अलग विषय हो सकता है लेकिन जो विधाई प्रस्ताव हैं जो स्टैचूट्री प्रोविजन्स हैं और जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनको मैंने ध्यान में रखते हुए सारे पहलुओं को मैंने इसमें कवर किया है मैं समझता हूँ कि ये व्याख्यान आप सभी के लिए लाभप्रद होगा और आने वाली आपकी परीक्षाओं में यह शत प्रतिशत आपको मार्क्स दिलाने में सहायक होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ थैंक यू धन्यवाद